एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है हिमालय ऑर्गेनिक का अनियन ऑयल हेयर मास्क, जिसकी पैकिंग आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है और इसका एमआरपी जो है वो है 1095, पर ये आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 600 के अराउंड ये मुझे मिली है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, 25% या 30% डिस्काउंट था। और इसकी जो पैकेजिंग है, इनर पैकेजिंग आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है। बहुत ही प्यारी इसकी पैकिंग दी गई है और इसमें जो है इसके कंपोजिशन भी दिए गए हैं कि इसमें क्या ऐड किया गया है, लगाने का तरीका जो है कि किस तरह से आपको लगाना है, लगाने का पूरा जो है वो प्रोसेस बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसका फॉर्मूला है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने आधा यूज कर लिया है। इसकी इससे एक स्टोरी भी है, ऐड है, क्योंकि मैं कैरेटीन जो है वो हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, तो मैंने इसे अप्लाई नहीं किया था, ये रखा हुआ था। काफ़ी टाइम से मैंने ले लिया था, कम से कम 2-3 महीने पहले मैंने इसे परचेज़ कर लिया था, लेकिन मैं इसे लगा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं जो है वो कैरेटीन मास्क लगाती थी, क्योंकि मेरे रिबॉन्डिंग के किए हुए 6 महीने नहीं हुए थे, तो मैं इसे अप्लाई नहीं करी थी। फिर मैं इसे थोड़ा सा, मैं कह रही थी कि मैं इसका रिव्यू करूँगी, तो मैं अपने कज़िन सिस्टर को और अपने भाई को बोली थी कि एक बार इसे ट्राई कर ले, कुछ दिन ट्राई करके मुझे बता दे, मुझे सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए कि किस तरह से ये रिजल्ट देगा। पर दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लगाएंगे करके। तो फाइनली मुझे इसे खुद के ही बालों पर लगाना पड़ा और बहुत डर डर के लगाना पड़ा कि कहीं मेरी रिबॉन्डिंग ख़राब ना हो जाए। तो फाइनली जब मैंने इसे लगाया, जो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे लगाया ना, मतलब इसके रिजल्ट मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि मतलब इससे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे जो कि इसने अपना रिजल्ट दिखाया। जब आप इसे अप्लाई करोगे ना, तो सबसे पहले आपको शैम्पू कर लेना है, कोई भी आप शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे हेयर मास्क को लेना है अपने हाथों पे और पूरे बालों के लेंथ पे लगा लेना है, ठीक है। स्कैल्प पे डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है, बस स्कैल्प से जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं सारे बालों पे लगाना है, वो ऑटोमेटिक जो है वो आपके स्कैल्प पे लग जाएगा। इसे लगाने से क्या होगा, एक तो आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और दूसरी चीज़ आपके जो ड्राई हेयर हैं, ठीक है, आपके जैसे कई लोग अपने फ्रिजी हेयर से परेशान रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, आपके बालों का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप जब भी शैम्पू कर रहे हैं, जैसे कि हफ्ते में 2 दिन भी कर रहे हैं, तो अगर आप शैम्पू के बाद इस हेयर मास्क को लगाते हैं तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप ऑयल से निजात पा सकते हैं कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अपने बालों पे ऑयल लगाना ज़रूरी है करके। मतलब हेयर मास्क कितना बढ़िया है कि स्कैल्प पे भी काम करेगा, बालों के लेंथ पर भी काम करेगा। हालाँकि ये मास्क जो है वो स्कैल्प के लिए नहीं है, आपको डायरेक्ट स्कैल्प पर नहीं लगाना है। जब आप अपने बालों पर लगाएंगे तो मैंने बोला है कि वो ऑटोमेटिक जो है वो आपके स्कैल्प पर लग जाएगा, इससे आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और साथ ही साथ आपके बालों का टेक्सचर भी चेंज होगा। आप इसके रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे, मतलब आप कोई भी कंडीशनर लगाना, मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आपने कोई भी रिबॉन्डिंग कैरेटीन नहीं कराया है, तो अगर आप कोई कंडीशनर यूज़ करते हैं जैसे कि डब कंडीशनर हो गया, बहुत सारे ऐसे कंडीशनर हैं, तो अगर आप इस हेयर मास्क को लगाएंगे तो आप कंडीशनर लगाना छोड़ देंगे, मैं इतनी गारंटी के साथ कहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस हेयर मास्क को लगा रहे हैं तो इसे 10 मिनट के लिए रखना बहुत मुश्किल होता है, 10 मिनट रखना, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हेयर मास्क सबसे पहले मैं शैम्पू करती हूँ, तो उसके बाद में हेयर मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। और हेयर मास्क जो है अप्लाई रहता है, उसके साथ साथ मैं ब्रश भी कर लेती हूँ, मुँह भी धुल लेती हूँ और कपड़े भी धुल लेती हूँ, उसे मिला के मेरे 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, तो ईजिली मुझे पता भी नहीं चलता है कि मुझे हेयर मास्क लगा के बैठना पड़े। आप बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते हेयर मास्क लगा के, या फिर आप कोई कुछ घर का काम कर लें तो वो टाइम कट जाता है, तो आप इस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि आप किस तरह से हेयर मास्क अपने बालों पे 10 से 15 मिनट के लिए आप लगा के रखें, उसके बाद अपने बालों का टेक्सचर देखें। फर्स्ट टाइम ही आप यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होंगे, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, एक बार जरूर ट्राई, तो मैं इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इसके रिजल्ट इतने बढ़िया होंगे, ये कैरेटीन मास्क की तरह ही ये काम करेगा, लेकिन स्पेशली अगर किसी ने रिबॉन्डिंग कराई हो तो वो 6 महीने तक तो जो कैरेटीन जो मास्क होते हैं उनको ही लगाएं, लेकिन आफ्टर 6 महीने के बाद आप इस हेयर मास्क को ट्राई कर सकते हैं अपने बालों को रिपेयर कराने के लिए। क्योंकि अगर आपने रिबॉन्डिंग, कैरेटीन, स्मूथनिंग जो भी कराया हो, केमिकली अपने बालों को ट्रीटमेंट दिया हो, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप दोबारा कराते हैं तो आपके बाल बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपके बालों को ये अच्छे तरह से रिपेयर कर देगा, उसके बाद आप इस सिर्फ एक मास्क को लगाने के बाद अपने बालों को दोबारा से रिबॉन्डिंग, कैरेटीन करा सकते हैं, आपके बाल जो है बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे।